Good morning, students. Welcome you all in our today's English class. Students, today we are going to read chapter number 2. Try, try, try again. Let's get started. Once upon a time, there lived a king in Scotland whose name was Robert Bruce. एक समय की बात है, स्कॉटलैंड में एक राजा रहता था जिसका नाम रॉबर्ट ब्रूस था. ही वॉज वेरी ब्रेव एंड वाइज. वह बहुत ही बहादुर और बुद्धिमान था. द किंग ऑफ इंग्लैंड वॉन्टेड टू मेक स्कॉटलैंड अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड का जो राजा था वो स्कॉटलैंड को अपने राज्य में मिलाना चाहता था, यानी उसका एक हिस्सा बनाना चाहता था. सो ही लेड अ लार्ज आर्मी इनटू स्कॉटलैंड. इसलिए वह एक बड़ी आर्मी लेकर स्कॉटलैंड गया. दो द स्कॉटिश आर्मी वॉज स्मॉल, किंग ब्रूस ब्रेवली फॉट द इंग्लिश 6 times. जबकि जो स्कॉटिश आर्मी थी वह बहुत ही छोटी थी, इसके बावजूद जो राजा ब्रूस था उसने बहुत बहादुरी से इंग्लैंड के साथ 6 बार लड़ाई की. बट ही वॉज डिफीटेड ईच टाइम, पर हर बार वह हार जाता. फाइनली ही हैड टू रन अवे टू अ फॉरेस्ट टू सेव हिज लाइफ. अंत में उसे अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागना पड़ा. वेयर ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव, जहाँ उसने अपने आप को एक केव में छुपा लिया. किंग ब्रूस वॉज टायर्ड एंड सिक ऑफ फाइटिंग. जो राजा ब्रूस था वह बहुत थक चुका था और लड़ाई से परेशान हो चुका था. ही हैड गिवन अप ऑल होप, उसने सारी आशाएं व उम्मीदें छोड़ दी थी. ही थॉट देयर इज नो यूज ट्राइंग एनी मोर, उसने सोचा अब और अधिक कोशिश करने से कोई फायदा नहीं. एज He lay thinking, he saw a spider. जब वह सोच रहा था तो उसने एक मकड़ी को देखा. It was trying to reach the roof of the cave. वह गुफा की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी. It failed again and again. वह बार बार फेल हो जा रही थी, यानी गिर जा रही थी. But each time it fell, इट वुड ट्राई अगेन, पर जितनी बार वह गिरती उतनी बार ही वह दोबारा से कोशिश करती. इट डिड नॉट गिव अप, उसने हार नहीं मानी. एट लास्ट इट रीच्ड द रूफ ऑफ द केव, अंत में वह गुफा की छत पर पहुंच गई. किंग ब्रूस वॉज सरप्राइज्ड, जो राजा ब्रूस था वो बहुत हैरान हुआ. ही क्राइड वाओ, वह चिल्लाया वाओ. स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड लर्न वर्ड मीनिंग्स. हैव अ गुड डे. थैंक यू.